सुबह हम पहुंचते हैं स्प्लिट्स विला, जो कि मेरे लिए एक फैंटेसी थी कि मुझे यहाँ पे आना है। All these girls are so good looking and so beautiful. Then I saw Priyank again. He was watching me. और उसके मन में पता नहीं क्या था, मेरे मन में तो ये था, वो सोचेगा यार ये क्या हो गया यार, गड़बड़ तो नहीं हो गई, इसके साथ ज्यादा कनेक्शन बना लिया, ये तो ऐसी दिख रही है बिना मेकअप। Girl insecurities, you know it. जरा इतर गिरा दो। Divya was looking beautiful. So it was a very good feeling looking at her. हम देखते हैं कि बाकी के 5 जो सिलेक्ट नहीं हुए थे वो भी आते हैं। कपड़े पहन के सब अलग लग रहे थे, हमारे मुंह गुले के गुले रह गए। मेरे को वहाँ पर रितु बैठी थी, सबसे पहले मेरी उसी से नजर मिली। आई रियली लाइक्ड हर, आई फाउंड हर रियली हॉट बिकॉज उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा था। मुझे थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियाँ पसंद हैं। मुझे पता लगा कि नैना, she didn't swipe right for anyone. She's like badass bro. That's something that I liked. मेरे दिल में तो वो था, क्या हमारी मेंटालिटी मैच होती है। सब कुछ सामने आने वाला था कि किसने किसको चूज किया। मुझे ये था कि प्रियंका और दिव्या का बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ था डेट पे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन तो था। वेलकम टू स्प्लिट्सविला 10। Catch your match. Whoa. We're in Jim Corbett Park at the Den Resort and Spa. 5 ladkon ko date pe jaane ko mila. Who were those 5 boys? Yeah. Aapke saath kaun kaun gaya date par? Mere saath 6 ladkiyan thi sir. 6 ladkiyan. Aapke saath? To 7. 7. सर एक, सर एक कौन? अक्षता। लेकिन आपके लिए स्वाइप तो शायद दो ने किया था। दो लड़कियां ने किया था। मैं दूसरी वाली थी, मैंने सेकंड वाला कैंसिल कर दिया। डम, यू लॉस्ट इट। यू चोज टू बी विद द गाय फॉर 30 मिनट्स जिसके पास 6 लड़कियां थी। यस, आई प्ले विद माय हार्ट, आई डोंट प्ले विद माय माइंड। सो यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर हार्ट इज सेइंग कनेक्शन। मुझे कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ के साथ लग रहा था। गर्ल्स, आप जानना चाहती है कि बॉयज ने किसको चूज किया है? यस। टाइम फॉर द रिजल्ट्स। सिद्धार्थ कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? Who went out on a date with him? सिद्धार्थ के साथ 6 लड़कियां थी, बट मुझे होप से कि मेरा नाम लिखे तो मैं सिद्धार्थ को ही चूज करती। निबी, I was very happy. ये जानकर कि Dad felt a connection with me. मुझे काफी बुरा लगा. Like what? Really? आपके पास इतने options थे, आपने सिर्फ इसको choose किया, पूरा आधा घंटा इसको दिया. हाँ जी. और इसने आपको choose फिर भी नहीं किया. ये नहीं है तो खैर और 9 लड़के हैं. मैंने उनको डेट पे बता दिया था कि देखिए चाहे मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट स्पेंड कीजिए, अगर मेरे को वो कनेक्शन दिखेगा, so I'll go with that girl. Doesn't matter. So I want to know, Siddharth, what was that connection? थोड़ा बहुत कंफ्यूज था मैं निवेदिता में और अक्षता में, but I had to choose one, so I chose निवेदिता. मेरे होप्स खत्म हो चुके थे, जो कनेक्शन है सिद्धार्थ और निवेदिता का बन गया, मेरे कोई चांसेस नहीं है। I was a little bit upset. अगर आप अब भी कंफ्यूज हो तो फिर आपने मेरा नाम क्यों लिखा है? Is your confusion gone अभी? We'll see that. Okay, we'll see that. I need time obviously. I cannot decide in just a click. उस टाइम पे अक्षता और मैं एक दूसरे को लुक दे रहे थे। शिट यार, मैंने क्या कर दिया, मुझे अक्षता का नाम लिखना चाहिए था। अर्चित, नेक्स्ट मोहित। मोहित के पास और कोई ऑप्शन नहीं था मुझे चूज करने के अलावा। अक्षता। नचिकेत, 2 लड़कियां आई आपके पास डेट पर, कौन कौन?
ईशा और अक्षिता. और नचिकेत आपने लिखा है अक्षिता का नाम. I got very disappointed कि भाई नचिकेत जैसे ने भी मुझे चूज नहीं किया. अक्षिता वेल डन यार. आप कितनी डेट्स पे गई थी? 3. इंटरेस्टिंग. Well, I still have a name now. उसमें से दो लड़कों ने तो आपका नाम लिख दिया है. You'll have to choose between the two boys. I would say कि नचिकेत के साथ मैं 2 मिनट बिताए, बट मैं उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरा नाम लिखेगा. मैं नहीं देखती कनेक्शन. I'm sorry नचिकेत. ईशा, there's 5 positions here. We're gonna have 5 people perform. But हम दोनों आपको एक छोटा सा डिसीजन दे रहे. You get to choose whether you want to perform or not. But the catch is, आपको नचिकेत के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा. नचिकेत, I'm going to give you 1 chance. ईशा को nicely, beautifully, जैसे भी उसको पूछो कि आप ये चैलेंज मेरे साथ करना चाहती हो. I'm really sorry, and if I hurt you, it wasn't my intention, and I was just going with the game. पूछने के लिए कहा और अच्छे से. मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. I thought he was dumb, stupid. मुंडा थोड़ा offbeat है. दिखता भी कुछ खास है नहीं. He has no body, no nothing. Just doesn't know how to talk to women. He's just very shy. मुझे आप अच्छी तो लगती हो वैसे. बट मुझे चॉइस दिया गया था. मैं क्या कर सकता. I'm really sorry that I didn't choose you. वो सच में रो दिया पागल. इधर आ. अरे बेचारे वाले एक्टिंग करने के लिए नहीं कहा, डांस के लिए पूछने के लिए कहा. ईशा से यस. ईशा प्लीज से यस. फॉर द सेक ऑफ द गेम मुझे लगा कि अगर मैं चैलेंज करूंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा. जी हम आपके साथ डांस परफॉर्म करना चाहेंगे. तो कौन रह गया? पॉपुलर बॉय. उसके हाथ में 7 लड़कियों की लाइफ्स थी, एंड वो किसी की लाइफ के साथ भी खेल सकता था. कौन कौन एक्सपेक्ट कर रही है? हाथ खड़े करिए. ए दिव्या और ऋतु. सो आई वाज लाइक फॉर श्योर यार मैं हूँ यार, और कौन होगा. एंड देन उतने में ऋतु ने भी आता है. कहाँ से यार, कहाँ से बंदी को लग रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं. I was blushing and I don't know how to get out of that situation. No. I'm sorry. It's cut. Divya ka naam likha gaya. Lekin crossed out. Lekin cross kiya gaya. I skipped my heartbeat and then I couldn't even look at Priyank. Ritu? No, I'm not sure. Feeling lucky? It might be somebody else as well. Feeling lucky? Who's feeling lucky? Oh my God! Nivedita! पूरा चिट बाहर निकाला निवेदिता. I'm like, what? 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 निवेदिता, निवेदिता, निबी. निबी. I was shocked. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रियंक मेरा नाम लिखेगा. But it was nice to know कि उसे भी एक कनेक्शन दिखा था हमारे बीच में. What the hell is wrong with this guy? अगर डायरेक्ट भी लिखता ना निवेदिता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा लगा है मुझे दिव्या लिख के. उसने कट करके निवेदिता लिखा है. I felt like a fool in front of everybody. His loss. मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने दिमाग से काम लेके सही नहीं किया. मुझे अपने दिल की ही सुननी चाहिए थी जो मैंने पहले किया था. I really connect with her. मैं अभी भी यही बोलूंगा, I connect with you. I'm not joking. उस टाइम वो ऐसा पलटा. मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदल रहे हैं, तो तू इतनी जल्दी क्यों रंग बदल रहा है शो पे. जब से मैं इधर आया भी हूँ, I've been looking at her and she knows that, like there's an eye contact throughout. हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो. हाँ यार, I connect with her. You do everything with her, then why did you take my name? मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि अगर मैं आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ, अगर आप मुझे लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपने मेरा नाम क्यों लिखा? मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप यहाँ पे एक कनेक्शन ढूंढने आई हैं या फिर जीतने आई हैं या फिर ट्रू लव में आप बिलीव करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आई टेक माई टाइम, मैं ट्रू लव में इतना ईजिली बिलीव नहीं करती. हाँ, तो अब जब मैंने सेम चीज़ निवेदिता से पूछी थी, तो वो कॉन्फिडेंस एकदम से उठ कर आया जब उन्होंने बोला कि मैं
ट्रू लव में भरोसा करती हूँ एंड एवरीथिंग गोज लाइक दैट. सो दैट जस्ट वन पॉइंट मेरा माइंड स्विच हुआ. लेकिन आई जस्ट वॉन्ट से आई फील रियली बैड कि मैंने ये डिसीजन लिया. मीन नथिंग अगेंस्ट यू एज वेल. आई कैन सी दैट यू आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं. Because you know what's happening, Nibi, yeah. You can decide between Priyank and Siddharth. Whoa. This is a very easy choice for me, Siddharth. Priyank ab bhi doubtful hai mujhe leke aur down the lane aisa bhi ho sakta hai ki wo mujhe ditch karke wapas Divya ke paas chala jayega. Divya. I don't know. If you'll give me a second chance, Priyank. See, I'll tell you what. To be very honest, हम लड़के बेवकूफ होते हैं, मैं तो accept करता हूँ. And हमें time लगता है समझने में, लेकिन जब हम एक बार ही समझ जाते हैं ना, तो फिर हमेशा समझ जाते हैं. Like it has been an experience. Please give me one more chance. But you're not sure. I'm really sure this time. Trust me. I've started feeling for you. I'll go with Divya. अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको मनाना चाहूंगा. प्लीज बी विद मी, स्टे विद मी एंड विल विन द शो टुगेदर. अगेन मैं वही ब्लैंक जोन में चली गई थी जहाँ मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ. ये वो ये बोल रहा था मेरा दिमाग और मेरा दिल बोल रहा था यार आखिर में चाहिए तो मुझे यही था. Yes or no? Yes. Okay. इनकी चॉइस से क्लियर हो गया कि कौन सी पांच लड़कियां इनके साथ पहले चैलेंज में जाएंगी. वेलकम टू योर फर्स्ट टेस्ट योर बॉन्ड. Exciting. You guys want to know what the challenge is? Yes. You know what is an ideal match? आज तक हम लोगों ने सिर्फ लोगों के नाम सुने हैं, सेलिब्रिटीज लाइक शाहरुख खान एंड गौरी खान, जेजी बियॉन्से. सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज आइडियल मैचेस दैट वी हैव सीन इन आवर लाइव्स एंड समवेयर व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज कि वो जो आइडियल मैचेस हैं वो जुदा हो चुके हैं. दे हैव बीन सेपरेटेड. लेकिन आप लोगों को यही करना है, आज आपको वो नोन आइडियल मैचेस को एक साथ दोबारा एक मैच बनाना है. सिंपल. आपके पीछे पांच बोर्ड्स हैं, उन पांच बोर्ड्स पर लड़के एक नाम उठाएंगे, उसको अपने बोर्ड पे लगाएंगे और फिर लड़कियां देखेंगी कि अरे इसका आइडियल मैच तो ये है और वो जाके लड़कों को वो जो आइडियल मैच है पास ऑन कर देंगे. The guys are going to have their names and the girls are going to have their names, but आप अपने हाथ नहीं यूज कर सकते. जितने भी नाम है बोर्ड्स पे लिखे हुए, बोर्ड्स मेटल के बने हुए हैं. So what sticks to metals, boys and girls? Magnets. Yay! Attraction बहुत जरूरी है. आप लोगों के पास मैग्नेट्स होंगे लेकिन वो एक बेल्ट पे बंधे होंगे. But another interesting thing. Yeah. कि जो लड़कियों के पास जो बोर्ड्स होंगे वो लड़कों को जब वो ट्रांसफर करेंगी, we will not count the transfer from the girls to the boys if you don't say the name of this challenge, which is. Chipak. जिन भी दो पेयर्स ने ये सबसे पहले कर दिया, पहले पांच मैचेस बना दिए, वो जीत जाएंगे और एंड दे विल बी वन स्टेप क्लोजर टू फाइंडिंग वेदर दे आर द आइडियल मैच और नॉट. यस. आर यू गाइस रेडी टू टेस्ट योर बॉन्ड? यस. व्हाट्स विलन? Ready? Yep. Go! मैंने एक स्ट्रैटेजी बहुत इजी सी रखी थी कि जितने भी सबसे इजी जो पार्टनर्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा. जूलियट. Which one? जूलियट. सबसे पहले जो मैंने ढूंढा था वो था जूलियट. मैंने कहा इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, तो मेरी जो जूलियट है वो जाके रोमियो को ढूंढ लेगी. बस बस. सबसे फनी मुझे तब लगा
जब सिद्धार्थ कह रहा था आ छिपा के It was so funny and it was so interesting to see this. Like I cannot even tell. Ah! चिपक चिपक आ चिपक ए ढंग से बोल बोल आ चिपक चिपक ये चैलेंज काफी वियर्ड था मेरे लिए मैं इतना आउटगोइंग नहीं हूँ मैं लड़की को ऐसा डायरेक्टली आ चिपक बोल नहीं सकता हमें एक्चुअली प्लकार्ड लेके जाना था पहले बोट पे रखना था और फिर वहां से चिल्लाना था कि उसके पैर ढूंढने के लिए मैंने प्लकार्ड अपने पास चिपका के मैं जाके रैंप में खड़ा हो गया बोला आ चिपक ओ शिट सो एना कहीं निकल आ चिपक प्रिया शुरू से ही वाज एक्सप्रेसिव एंड ही वाज हैप्पी ही वाज लाइक आ चिपक एंड दिव्या एंजॉयड इट शी वाज ब्लशिंग शी वाज हैप्पी चल धटिंग नाच मैंने देखा कि प्रियांक और दिव्या एक के बाद एक एक के बाद एक पहला पहला कपल्स करते जा रहे हैं तो आई स्टार्टेड बकिंग अप आई स्टार्टेड चीयरिंग अप मोहित वो अच्छे से लगा एक के बाद एक कपल हम लोग बनाते जा रहे थे जब हम लोग फोर्थ पे पहुंचे हार्ली क्विन तब मेरा जोकर मिल ही नहीं रहा था स्टेफी ने थोड़ा कमीना बंदी किया जोकर चाहिए था मोहित और अक्षता को स्टेफी चुपचाप गई उसने नेम प्लेट उठाया कि मैं भले नहीं जीतूं मैं तुझे भी नहीं जीतने दूंगी जोकर मैंने जोकर को ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट किया और उसके बाद मैंने देखा तो स्टेफी के बेल्ट पे जोकर लटका हुआ था जोकर शी हैज ले 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 आजा आ चिपक ये तो लो हमारा कम्युनिकेशन गैप काफी क्लियरली दिख गया नाशिकेत मैं ईशा को बोला था कि यार बाजीराव का मस्तानी ढूंढ वो चिल्लाने लगी बाजीराव का मिशेल है बैड लक नहीं ये तो लो यहाँ पे खोल के हो गया खुश लिटरली नचिकेत देखने लायक था ये एक्चुअली वेंट बाजी तुसी सच्चा पुसी कैट ओ पुसी पुलू द बट्टा टोटल स्पॉइल्ड कैट तो तुसी एवई करता रहता उसने मुझे बराक लाके दिया तभी समझा कि हां भाई बराक और मिशेल ओबामा बाबा कौन है प्रियांक अलादीन जल्दी प्रियांक और दिव्या जब वो परफॉर्म कर रहे थे सब लोग उनका कनेक्शन देख सकते थे इट वाज लाइक दे आर मेंट टू बी टुगेदर हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है सबसे पहले होते हैं जो वो पांच पैर जो बनाने होते हैं वो कंप्लीट कर चुके होते हैं बॉस रोमियो जूलियट जैस्मिन अलादीन यू गाइस आर राइट वी वन द चैलेंज ही जस्ट लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही सेड आई न्यू इट एंड आई एम सॉरी एंड दैट फीलिंग वाज जस्ट सो अमेजिंग के वो जो कुछ वो ग्राउंड पे हुआ था ना सब कंपेंसेट हो गया था एंड ये प्रूव हो गया था दैट यस वी आर द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज थी कि अगर मैं प्रियंक को चूज करती शायद मेरे पास ज्यादा चांसेस होते ये टास्क जीतने के निवेदिता पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे लगा कि अगर मैंने निवेदिता की जगह अक्षता का नाम लिखा होता तो मैं ये शायद चैलेंज जीत सकता था चिपक, दस मुमताज। वो बोलो यार। चार हमारे कंप्लीट हो गए थे एंड आई न्यू कि वी कुड बी द सेकंड कपल पिक समथिंग एल्स शाहजहां
अभी ये लास्ट डू और डाई सिचुएशन था। आरोही आरोही उसने आरोही जैसा डिफिकल्ट मोहित ने चिपकाया था उस बोर्ड पे। मुझे नहीं पता आरोही कौन है क्या है। राहुल जयकर यस वेरी गो 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 डू इट मोहित गॉट इट मोहित Minnie and Mickey. Perfect. Anarkali and Salim. Yes. Olive and Popeye. 100%. Harley Quinn, Joker. Yes. Arohi. Arohi. Rahul Jaikar. कहाँ से हैं लोग? आशिकी टू. Rahul Jaikar, and that was a pure guess. That's right. You guys, the two pairs. I was really proud of myself. I was really proud of Akshita. Because, so what if these guys have come from roadies? I'm here in this game too. And you guys need to buckle up. Because I'm not going to sit down. Congratulations, Mohit and Akshita. Congratulations, Priyank and Divya. Well done, guys. Thank you so much. Thank you. But tonight, sirf a couple ko ye knowledge milega of finding out whether they are an ideal match. Jitne bhi split cylinders hain, ye decide karenge ki aap dono pairs mein se kaun deserve karta hai to check whether they are the ideal match or not. अगर हम ये दो कपल में से एक कपल हुए जिसको ये मौका मिलेगा टू नो आर वी द आइडियल मैच तो इट विल बी द बेस्ट थिंग एवर एंड वी आर एन आइडियल मैच वी न्यू दैट. हम लोगों को बताया जाता है कि रणविजय सनी से हमें मिलना है तैयार होके तो बहुत एक्साइटेड थे. अब पहला ऑफिशियल डंपिंग ग्राउंड होने वाला था. जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी जगह उसको देख के ही गूज़बम्स आना चालू हो जाते हैं. And larger than life. हमारी आंख गई वो राइट हैंड साइड में. There was this what scientific kind of a you know equipment machine type का कुछ उधर पड़ा हुआ था. Welcome to the dome. This is your first time. डोम इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सेंटर है. इंस्टेड ऑफ डंपिंग ग्राउंड वहां पे डोम था. इट वाज लाइक हमारे अंदर का एक खुद की दुनिया थी वो. द वन एंटिटी हियर दैट गिव्स अस ऑल द आंसर्स. डू यू रिमेंबर व्हेन यू फिल्ड आउट ऑल दोस फॉर्म्स? यस. Your personality, kya acha lagta, kya nahi acha lagta. All that information was filled in the oracle. So only the oracle tells us who our ideal match is. Scientific feeling, I get, okay. So this is the machine which will tell us if me and Priyanka are the ideal match or no. आज इन दो पेयर्स में से एक को ओरेकल ये बताएगी कि क्या वो आइडियल मैच हैं या नहीं. अगर आइडियल मैच मिल गया दिस जर्नी विल बी वेरी इजी फॉर यू. बाकियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन बिफोर वी गेट टू दैट विला में क्या हुआ? विला में शांति थी बट अब स्प्लिट विला हो रहा है. What? Already? It's only what? Yes, yes, first day. बाकी लोगों ने I think बहुत सारी बॉन्डिंग कर ली है. Yeah. Which is true. Which is true. हनीत आप किसको पटा रहे थे बताइए? जो उनके बाद में खड़ी है. आप दोनों के बीच में क्या हुआ? Actually हम तो एक दूसरे को like पहले से भी जानते थे. हम फ्रेंड्स हैं. Really? क्या? 2 years से कॉन्टैक्ट में नहीं थे बट 2 years ago like we were good friends. So now it's like you are like friends or like friends? Like just good friends, normal good friends.
आपके लेवल का और कोई यहाँ पर है जिसका चांस हो सकता है? ये तो पुरानी दोस्ती आ गई, बट व्हाट इफ ही इज नॉट योर आइडियल मैच? सो फार आई थिंक ही इज, सो फार. ओह, इट वेंट फ्रॉम फ्रेंड्स टू आइडियल मैच इन लाइक सेकंड्स. I'd also like to share something else. बोलिए. Yeah. जहाँ नए अच्छे अच्छे कनेक्शंस भी बने हैं और वहाँ बने बनाए कनेक्शंस भी एक्चुअली आज टूटे हैं. What, really? जब सिद्धार्थ ने मेरा नाम लिया था, उसने मेरे नाम के साथ अक्षिता का भी नाम लिया था. And he said that I was confused between the two. मैंने इस चीज के बारे में वापस पूछा कि टास्क करने के बाद भी आप मुझे थोड़े से रिलक्टेंट दिखे हो. मुझे आप में वो सर्टेनिटी नहीं दिख रही है, मतलब कोई बात है क्या? तो ही सेड टू मी कि एक्चुअली 90% तो आई एम क्लियर, बट फिर भी एक 10% डाउट है मेरे दिमाग में और मैं यही चीज़ अक्षिता के साथ जाके क्लियर करना चाहता हूँ. सो आई वॉज लाइक ठीक है, यू कैन स्पीक टू अक्षिता, एंड आई लेफ्ट. एक्चुअली अक्षिता एंड सिद्धार्थ की बात हो रही थी for around 45 minutes to an hour. And they had already pre-decided ki I will change my connections and they will bond with each other. It's just sad. I'm just disheartened that he did not even give me a chance. How can you judge so soon? Especially when I had chosen you over Priyank. Because Priyank ke saath bhi mera ek bahut hi acha connection bana tha. Hamara acha interaction hua tha. But yet I have chosen you because I felt like there was a spark. जब हम डेट पे गए थे, छह लड़की थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था. सो उस टाइम पे जल्दी जल्दी में आई रोड निबेदित था. और अब मुझे लग रहा है कि यार दिस शो इज अबाउट फाइंडिंग योर आइडियल मैच. सो मुझे वो अक्षिता के टुवर्ड ज्यादा लगा. That's a very rude statement that you've made, huh? ये दो घंटे में आपको कैसे पता लग गया? अगर आपको ये चीज मालूम थी, then you shouldn't have taken my name, right? She's trying to say तुम्हारी वजह से उसका एक चांस जो दूसरे exactly, के साथ जिसके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन बना हुआ था. I think अब आपने खुद ही प्रूफ कर दिया कि मैंने अक्षता के साथ क्यों न्यू कनेक्शन फॉर्म किया. बिकॉज यू आर फिकल इन द हेड, यू कुड नॉट जज बिटवीन मी एंड प्रिया. एक्सक्यूज मी, एफर्ट्स बंद करना आपने किया, मैंने नहीं. टू माइंडेड अबाउट व्हाट? सो यू आर द वन दैट्स कंफ्यूज्ड. इट वाज जस्ट फॉर टास्क. मतलब आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ था ना, आपका दिमाग नहीं चल पाया उस वक्त. ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा. एग्जैक्टली, मत बोलिए प्लीज. I think Sunny is the right time to tell them ki aaj kya hone wala hai. Aaj yahan se koi to jaane wala hai ghar. And the power lies with you guys. So out of you two pairs, you both are going to choose one name each. It's a big decision. उसके बाद आप लोग वोट करेंगे इन दोनों पेयर्स में से किसको एक मौका मिलना चाहिए टू गो इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल एंड टेस्ट क्या वो आइडियल मैच है. अगर वो आइडियल मैच निकले तो जिसका नाम उन्होंने लिखा है वो इस डोम से वापस घर चली जाएंगे. तो आप में से किसी भी लड़की को इन दोनों पैस से कुछ कहना है?
मैं दोनों दिव्या और प्रियंका के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती हूँ. मैं यहाँ रहना चाहती हूँ. मैं और परफॉर्म करने का एक मौका चाहती हूँ. आई थिंक आई डिजर्व दैट मच बिकॉज इट्स टू सून. हाँ जी, मैं दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा, प्रियांक दिव्या और मोहित अक्षता को, कि आई हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग बॉन्ड विद रितु. बहुत अभी इनिशियल स्टेज है, सो आई वॉन्ट टू नो हर मोर. दैट्स ऑल आई कैन से. ओके, आप दोनों पैज एक एक करके नाम लिखिए और किसी को दिखाना मत. सो स्प्लिट्स विलन्स, वी गोना राइट द नेम्स ऑफ द कपल दैट यू वुड लाइक टू गिव अ चांस टू स्पीक टू द ओरेकल. दिल का खेल है पर खेलना दिमाग से है. प्रियांक, किसी का भी यहां पे नाम लो जिसका आपको पता है कि वोट आपके लिए आए होंगे, आपके पैर के लिए. बसीर तो करेगा ही. किसके लिए? मेरे लिए. चलो बसीर देख लेते हैं. क्या है? पिंकू. पिंकू एंड दिव्या विद डबल हार्ट्स. ओके, दिस इज एन इजी वन. दिव्या, नैना, प्रियांक एंड दिव्या, अक्षता, आकाश, प्रियांक एंड दिव्या. गलत प्रिडिक्शन. एंड मोहित. हनी, आई टोल्ड यू ब्रो, क्योंकि वो लोग जेन्युइन हैं, क्योंकि वो जेन्युइन लग रहे हैं मेरे को. प्रियांक और दिव्या, स्कोर क्या है? थैंक यू, 4-0. स्कोर 4-0, लेकिन उसके साथ आप दोनों ने जो एक एक गेस किया है, जो आपको लग रहा था कि ये तो हमारे लिए करेंगे करेंगे, उन दोनों ने भी नहीं किया. यू डोंट नो वे यू स्टैंड. प्रियांक, अर्चन, प्रियांक एंड दिव्या, 5. दिव्या, ऋतु, प्रियांक एंड दिव्या. एक भी नहीं आया अभी तक से आप लोगों के लिए. अक्षता, दफी, दिव्या एंड प्रियांक. रिपु, प्रियांक एंड दिव्या. वाव, प्रियांक, खुशी, दिव्या एंड प्रियांक. दिव्या, अनमोल, दिव्या एंड प्रियांक. आई हैव नो होप्स, पर मैडी, प्रियांक एंड दिव्या. प्रियांक एंड दिव्या, एक भी निशाना सही नहीं बैठ रहा आप दोनों का. बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन था. मिला तक आते आते ना मेरे को बिल्कुल पक्का पता था मैं तो मोहित, और द वे दे हग्ड टू ईच अदर वाज लाइक डैम. बट उसके बाद जब ये पॉलिटिक्स होना शुरू हो गए सब इधर उधर पता नहीं क्या क्या, देन वी हर्ड दैट दिस गर्ल डिड दिस. What? Yeah. Girl did what? Hello. कोई commitment की बात इससे पूछो, कोई commitment की बात हुई थी? It's not about the commitment. What I'm saying. I'm trying to say. Girl did what? No, listen. मतलब I am not committing something to him and then changing my decision. It's not commitment. You don't have to worry. I am there with you. छुट्टे आना छुट्टे मुँह से रंग तेरा डोलना
Don't have to worry. And thank you. I'll stand by you. अक्षता अब कैसा फील हो रहा है कि एक्चुअली दिस डजंट फील ग्रेट दैट नोबडी इज वोटेड फॉर यू, कि अभी भी आपको लग रहा है राइट डिसीजन सिद्धार्थ वहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इज इट नाउ फीलिंग अ लिटिल बैड? आई फील बैड सर. व्हाट इज अपसेटिंग अगर आप जाके लोगों को बोल रहे हो कि डोंट वोट फॉर अस? नो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला. दैट इज रॉन्ग. व्हाट? मैंने ऐसा नहीं बोला किसी का. मैं नहीं चाहता कि आप मोहित के साथ जीत जाओ. बिकॉज ऑब्वियसली तो मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें तोड़ना भी तो पड़ेगा ना निवेदिता के साथ. हाँ, मुझे उसके साथ तोड़ना पड़ेगा. Are you ready to do that? I am ready to do that. शायद चैलेंज तक मैं सोच रही थी कि मोहित के साथ परफॉर्म करूं, पर जब आइडल मैच की बारी आती है मैं सोचती हूं कि सिद्धार्थ मेरे आइडल मैच है, तो मैंने विला को कन्विंस नहीं किया और मैंने इनफैक्ट उन्हें बोला कि वो दिव्या और प्रियंक को वोट कर सकते हैं. ओके, लेट मी क्लियर समथिंग. मैं और दिव्या बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो वी वॉन्टेड कि ऐसा कुछ डर्टी प्ले ना करे, तो मैंने पहले जाके कन्विंस करना स्टार्ट किया था जब सिद्धार्थ मेरी बात नहीं हुई थी. उसके बाद सिद्धार्थ मेरी बात हुई, तब आई फेल्ट कि मतलब नहीं है अगर मैं उधर जा रही हूँ कुछ हो रहा है, बिकॉज कनेक्शन नहीं है. तो नाउ आई वोंट कन्विंस एनीवन. आई हैव वन क्वेश्चन. वर्थ इट? या. यस. मैं कह रहा हूं कि यार गैस वैस नहीं करते. आपने किस पैर के लिए वोट किया है? दिव्या एंड प्रियांक. दिव्या एंड प्रियांक. दिव्या एंड प्रियांक. दिव्या एंड प्रियांक. नचिकेत. दिव्या एंड प्रियांक. सिद्धार्थ. प्रियांक एंड दिव्या. Guys, congratulations. Thank you, sir. Priyank Thank and you. Divya. Okay, sirf aapse wo naam janna chahte hain hum ki aapne kiska naam likha tha, kyunki ab to aap nahi ja rahe aage. Agar aap jaate aur ideal match hote, this could have been a vote jo aaj aapka safar yahan pe khatam kar sakta tha. Isha. Isha. Oh my god. So, ladies, who thinks they're on that list today? On the cue card of Priyank and Divya. जैसा कि बोला था कि यहाँ पे दिल टूटने वाले, I think शुरुआत आज होने वाली है. Let's go. That's Nibedita. मैं रीजन ये देना चाहूंगा कि शी इज देयर विद मी. आई हैव मेड सो मच प्रॉमिसेस टू हर एंड वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकती हैं आगे जाके, क्योंकि उनको ये लगा था कि मैंने आपका पहले नाम लिखा था. तो दैट्स नॉट अ रीजन. आई एम दैट्स डेफिनेटली अ रीजन. दैट्स नॉट अ रीजन. शी वाज एक्चुअली फीलिंग इनसिक्योर. तो आई एम सो सॉरी. मैं पहले बहुत कंफ्यूज था. सिद्धार्थ सेड टू मी दैट यू आर स्टिल फ्री फॉर प्रियंका. आई डिडंट आंसर दैट because I didn't want to break your bond. I wrote your name. I took your name. But it's my duty to make her feel secure. No, it's fine. It's a game. It's a game to play. So, and I'm sure that I've done that. So yeah, she's happy, I'm happy. It was a threat actually for me too personally, because यहाँ पे आके जब सारी सिचुएशन बिगड़ गई है उसके बाद वो ये कह रही है कि मैंने प्रियांक को नहीं चूज किया तुम्हारे ऊपर. प्रियांक को चूज नहीं किया तुम्हारे ऊपर. You know, because आपके पैर के अंदर एक
प्रियांक है वाज वन ऑफ द रीजन शी थॉट कि उनका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा राइट एंड इट जस्ट मींस कि इट माइट मीन दैट यू गाइस आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ईच अदर इफ यू आर सो इनसिक्योर बट डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ सक्स इज दैट निबी हैज बीन एक्चुअली हर्ट बाय बोथ कपल्स टुडे दो लड़कों ने आपका नाम लिखा था दो लड़कों ने राइट और चॉइस आपके पास थी टू डिसाइड विच गाय एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन योर एक्शन ऑफ नॉट चूजिंग दिस गाय फॉर वट एवर रीजन हैज पुट यू इन दिस स्ट्रेंज सिचुएशन It's going to be tough, Nibi. अगर प्रियांक और दिव्या ओरेकल के हिसाब से आइडियल मैच हुए यू आर लीविंग स्प्लिट्सविला 10 राइट नाउ Nibi, अनमोल what's going on? क्या हो रहा है What happened? She's just getting a little bit emotional, and I'm getting emotional looking at her. But why? Kyun? She's my roommate, and we're very close. Don't cry. You're too pretty to cry. The first pair gets to test ki kya wo ideal match hai ya nahi. ओरेकल क्या हम दोनों आइडल मैच हैं ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार प्रियांक और दिव्या आप एक आइडियल मैच नहीं हो Oh my god. I didn't know what to say. I was zonked. I was shocked. Priyank khud bahut zyada shocked the. We are. That's surprising. I just gave him a side hug and maine unko bola ke we are. Trust God, trust our instincts, we are. Nibi, how's it feel? Better, but the pain is still there. Congratulations. आज यहाँ से कोई भी वापस घर नहीं जा रहा है. But the one sad part of all of this is the fact that सबने बोला यहाँ पे 16 लोगों ने सबने बोला यहाँ पे. Not one person voted for them. They said they look like an ideal match. They look like a lovely couple. Who asked? It was nervousness ya jab jawab aaya it was how did it feel mujhe koi farak nahi padta I think it doesn't matter mujhe kuch farak nahi padta har cheez science nahi hai sir hum abhi some connection matters sab kuch science nahi hai this was the time jab humne oracle ki baat shayad itni seriously nahi li aur love is there to hame aur kisi cheez ki na permission ki zarurat hai na approval ki zarurat hai priyank and divya dil ka rasta hamesha mushkil hota hai Yeah, but science doesn't fail. So I know you guys are very happy in one day with each other, which is great. But wouldn't you want to actually find your ideal match? क्योंकि आप अभी पता क्या कर रहे हो? आप दो ideal matches खराब कर रहे हो by staying together. आप सब
the chance of finding your ideal match is going away if these two stick together. I'm just doing the math, which is like science, doesn't fail. यहाँ पे कोई ना कोई लड़का है जो जिसकी आइडियल मैच ये है दिव्या. वैसे ही आप में से कोई ना कोई एक लड़की है जिसकी आइडियल मैच है प्रियांक. प्रियांक के ऊपर जो मेरा ट्रस्ट है वो था हमेशा, बट आई डोंट नो, मेरे मन में ख्याल भी आया कि will he stick to me or he'll find his another true love, maybe he'll believe in science या क्या. मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी. खेल दिल का है, खेलना दिमाग से. Catch your match. This is MTV Splitsvilla 10 and we'll see you guys soon. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.